हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ जो लेसन है, फोर्थ लेसन, लास्ट लेसन है जो, तो वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ, एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ और एथिक्स एंड मॉरल, और इसके बाद बहुत भी है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो लेसन का इंट्रोडक्शन है, देखो अभी इस अभी जो है 2020 में हम लोग कंप्यूटर का बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंकिंग करने के लिए, फाइनेंस, हेल्थ, ये सब के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। स्टोर करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स स्टोर करने के लिए, बैंक की डिटेल्स स्टोर करने के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बाद देखो अभी हम लोग इंटरनेट करते हैं बैंकिंग करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे भेजते किसी को, अभी वो अमेरिका में हो तो भी हम लोग भेज सकते हैं, चुटकियों में भेज सकते पैसे, तो हम लोग इंटरनेट का इसके लिए भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे सिचुएशन में अभी आपने देखा रहेगा कि बैंक का पासवर्ड चोरी हो गया, बैंक में से पैसे निकल गए, तो मतलब इलीगल यूज़ हो रहा है वो सब चीज़ का, तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर लॉ बनाया जाता है। हम लोग इसका आगे देखेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना नहीं है। तो देखो अभी जैसे कि बैंकिंग है, सपोज बैंकिंग है, तो बैंकिंग में हो सकता है आपका पिन किसी ने ले लिया, तो आपका पिन से या फिर फ़ोन नंबर से आपका जो भी पैसे वो निकाल सकते हैं। अभी फाइनेंस से रिलेटेड शेयर होल्डर से देखा रहेगा आपने, शेयर होल्डर का शेयर चोरी हो सकता है या फिर शेयर कैंसिल हो सकता है, अभी इतना तो होता नहीं, लेकिन बैंकिंग में ज़्यादातर होता है, फ्रॉड हो जाते हैं, किसी का कॉल आता है, एटीएम पिन मांग लेते हैं, तो ये सब मांगते हैं। तो इसके लिए हम लोग को प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है, पहले हम लोग को खुद सेफ होना ज़रूरी है, फिर अपने को दूसरा सबको सेफ करना चाहिए। तो इधर थर्ड पॉइंट यही दिया है कि बहुत सारे सिचुएशन में ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे आपके बैंक की डिटेल्स, ये किसी के हाथ में लग जाती है और वो इल्लीगल यूज़ कर सकता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा हैकर लोग हैं, हैकर लोग बहुत यूज़ करते हैं इलीगली, यहाँ तक कि आपने सुना भी होगा कि आपकी डिटेल्स भेज देते किसी को, ऐसा बहुत सारे कॉल्स होते हैं, कॉल्स आते किसी को, तो बहुत सारे सिचुएशन में अनऑथराइज यूजर से करप्ट हो जाता है डेटा, अपना डेटा उसके पास चला जाता है। तो इसके बाद इंक्रीज इन ट्रैफिक, इंटरनेट का ट्रैफिक जो बढ़ गया है, अभी आपने देखा रहेगा जियो के आने के बाद इंटरनेट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये इश्यूज़ भी बहुत बढ़ गए वर्ल्ड वाइड में। अभी जियो तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड में भी बहुत इंटरनेट बढ़ गया है, तो इसके लिए ये जो है साइबर क्राइम ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ये लेसन दिया गया है। तो देखो ये वेरी नेसेसरी है, मतलब कि हम लोग को साइबर लॉ जानना ज़रूरी है। और देखना आप लास्ट ईयर के साइंस के शायद से टेक्स्ट बुक में भी है कि साइबर लॉ आई टी एक्ट 2000 ऐसा कुछ है भी, तो उसमें भी दिया है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये सीखना ज़रूरी है। अभी देखो ये प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है पासवर्ड लगाओ, बहुत कुछ आता है। अभी जैसे कि बेसिक का अपना जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी का पासवर्ड बहुत सारे लोग 1234 ऐसा रखते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ स्ट्रांग पासवर्ड रखा है, जैसे कि आपने देखा रहेगा किसी किसी में आता है 1234 डालते तो नहीं चलते, स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करो, तो स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करने से वो हैक करने का चांसेस कम हो जाता है, अभी पूरा ख़त्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। इसके लिए एक और एक चीज़ आती है ओटीपी करके, ओटीपी आएगा फिर जाके होएगा, तो ये भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर क्रिमिनल को पकड़ा भी जा सकता है आईपी एड्रेस से, लेकिन वो थोड़ा हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन साइबर क्रिमिनल जो रहते हैं वो बार बार आईपी चेंज करते रहते हैं, तो उसको शायद से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में पॉसिबल हो जाता है, तो अभी ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो साइबर केस रिलेटेड टू इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, जो साइबर केसेस रहते हैं, जैसे कि आपने देखा बैंक का, बैंक में से पैसे निकाल लिए किसी ने, अब एक फ़ोन आते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर चेंज कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये सब केस बहुत इंक्रीज़ हो रहे, जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रहे। तो देखो ये सब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। एथिक्स मतलब कि ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब सिलेक्ट करना ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं, मतलब कि सही या गलत को हम लोग को जज करना, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। देखो इधर लास्ट में ये लिखा है साइबर क्राइम इज़ बीन अमेंडेड, साइबर लॉ इज़ बीइंग अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली, जो साइबर लॉ है अभी तो फिलहाल आईटेक 2008 चल रहा है जहाँ तक मेरे को मालूम है, वे बार बार चेंज होते रहते हैं, अभी 2000 में से 2008 में हो गया, लेकिन अभी अभी हम लोग 2000 वाले ही सीख रहे हैं, हो सकता है अगर थोड़ा चेंज किया हो तो। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ, साइबर लॉ क्या होता है, देखो साइबर लॉ मतलब कि कानून साइबर से रिलेटेड, कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो गवर्निंग इन्फॉर्मेशन है, जो चोरी हो सकती है, तो उसको कैसे कानून से मानदा जाए। जैसे कि अभी देखो पहला पॉइंट लिया है साइबर लॉ इज़ द एरिया
ऑफ लॉ दैट डील्स विद द इंटरनेट रिलेशनशिप टू टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन रहता है आपको मालूम है, अभी आप मोबाइल ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट से ही देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके आईपी एड्रेस ट्रैक हो रही हो, आपने कुछ गलत काम किया हो सकता है कि आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होके आपके घर पे पुलिस आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही है, आपको सब मालूम है, तो साइबर लॉ के जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखो अभी इधर पे जो भी टेक्नोलॉजी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से जो भी चीज़ कनेक्टेड रहती है उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है। अभी आपने देखा रहेगा गूगल भी इन्फॉर्मेशन लेता है आपका, लोकेशन लेता है, तो लोकेशन मालूम है सबको, यहाँ तक के गवर्नमेंट को भी मालूम है आपकी लोकेशन क्या है। और अगर आपका GPS बंद है फिर भी आपका एड्रेस मालूम कर सकते हैं जो IP एड्रेस है उससे। तो इस अभी जो भी देखो साइबर क्राइम जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है उसमें इंक्लूड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। तो साइबर लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है आपने देखा रहेगा साइबर सेल रहते हैं, साइबर सेल में आपका कुछ फ्रॉड हुआ रहता है अपन जा सकते हैं उससे हेल्प ले सकते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो आप उन लोग आपकी मदद करेंगे, जो भी आईपी एड्रेस है वो ट्रैक करेंगे, तो आपकी उस हिसाब से मदद होगी। देखो इधर पर लिखा है लीगल सिस्टम जो डील करता है इंटरनेट से, इंटरनेट जैसे कि मैंने बोला साइबर स्पेस, साइबर स्पेस भी अभी साइबर कैफे के जैसे नहीं होता लेकिन अलग होता है, एकदम गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है जो ट्रैक कर सकते हैं आपका स्टेटस। और फिर रिस्पेक्ट टू लीगल इश्यूज, जो भी लीगल इश्यूज रहते हैं जैसे कि फ्रॉड हो गया आपका, आपके साथ किसी ने पैसे चुरा लिए, बैंक से ऐसे पैसे चले गए, ये सब हो सकते हैं लीगल इश्यू। तो इसके बाद देखो साइबर लॉ कवर फेयरली ब्रॉड एरिया, मतलब बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है ये, अभी सबका अलग अलग रहता है, इंटरनेट में कोई अलग रहेगा साइबर लॉ थोड़ा बहुत अलग रहता है लेकिन नॉर्मली सेम रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे एनकम्पेसिंग सेवरल सब टॉपिक, इसमें टॉपिक आते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी फ्रीडम है आपको कुछ भी खर्चा करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो, तो ये साइबर लॉ से आपको एडवांटेज होता है कि आप कुछ भी खर्चा कर सकते हो ऑनलाइन बिना किसी डर के। आपने देखा रहेगा क्रेडिट कार्ड से आप उन करते तो पहले OTP आता है, फिर पहले ऐसा नहीं होता था, अभी OTP आता है, वो OTP डालने के बाद आपका पैसा जाता है। एक्सेस ऑफ यूजेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का यूजेज फुल्ली अच्छे से करना, इंटरनेट आपका नॉलेज गेन करने के लिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए, तो वैसे ऑनलाइन प्राइवेसी प्राइवेट से रखना, जो भी आपका डिटेल्स है प्राइवेट रखना, किसी को देना नहीं। आपने देखा रहेगा कि कभी कभी आधार कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं कोई कोई वेबसाइट, तो वो नहीं देने का, तो ऑनलाइन प्राइवेसी, तो ये सब साइबर लॉ में इंक्लूडेड। तो हम लोग अभी सपोज़ कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है उधर पे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे, तो आपको मालूम होना चाहिए वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अगर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है क्यों मांग रही है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आप ये सब देखने के बाद ही, इसके लिए देखना आप HTTPS आते ऊपर, आप चेक कर सकते हो सिक्योर आते हैं, तो जो भी सिक्योर वेबसाइट रहती है वो ईजी रहती है, मतलब आसान रहती है, आपका सारा डेटा आप दे सकते हो वेबसाइट को। तो अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ साइबर लॉ। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था पे IT Act 2000 ये चेंज हो चुका है 2008 में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आउटडेटेड लॉ है, मतलब 2000 में थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, तो 2008 का भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो जो साइबर लॉ है वो डील करता है साइबर क्राइम से, साइबर क्राइम मैंने बताया हैकर वगैरह वही सब रहता है साइबर क्राइम्स, हम लोग आगे देखेंगे साइबर क्राइम्स के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो आएगा इसके बाद। तो इसमें देखो क्या एडवांटेज होते हैं, पहला मैं बताया कि वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा आपकी डिटेल का, जैसे कि आप जा सकते हो मॉल में जाते हो तो मॉल में आप कार्ड स्वाइप करते हो तो उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है IT Act offer the much needed legal framework so that information is not denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of electronic record. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है अभी वो सिक्योर है, अपने पासवर्ड वगैरह लगाया है तो आपके लिए ईजी पड़ता है, आप खाली आप ही एक्सेस कर सकते हो, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए IT Act के अंदर। अभी IT Act हम लोग को पूरा नहीं है इसमें, लेकिन IT Act तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि वो क्यों यूज़ होता है, IT Act क्या होता है, ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो देखो इसमें दिया गया वही है कि IT Act में जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, IT Act के अंदर फ्रेमवर्क दिया हुआ है,
कि आप ऐसा करो तो आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर रहेगा, ये सब दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रहते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर में गए रहेंगे तो जो भी रहता है वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है और वो सर्वर से कनेक्टेड रहता है पूरा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एकदम सिक्योर रहता है। इट व्यू द ग्रोथ इन द ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होता है। अभी जैसे कि मैं किसी जगह पे गया, उधर मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं पेटीएम कर सकता हूँ, फ़ोनपे कर सकता हूँ, उनको बोलूँगा आपके पास है आप, या फिर डायरेक्टली बैंक में भेज सकता हूँ मैं, गूगल पे वगैरह आते हैं तो UPI से भी भेज सकते हैं। तो ये इजी पड़ता है और ये सिक्योर वे है, आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है डिजिटल वे में तो वो आप सिक्योर है। और इसमें एक और एक चीज़ आती है, आप आधार कार्ड जैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन में, तो इधर लास्ट में दिया हुआ देखो, द एक्ट सीक द एम्पावर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू एक्सेप्ट फाइलिंग। जो भी फाइलिंग है, जो भी फॉर्म भरा है, वो सब एक्सेप्ट करे गवर्नमेंट में, देखा रहेगा आपने ऑनलाइन फाइल एक्सेप्ट होती है। क्रिएटिंग एंड रिटेंशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन द डिजिटल फॉर्मेट। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपने देखा रहेगा, अभी किसी का रजिस्टर करने जाते हैं, घर वगैरह अपन लेते हैं तो रजिस्टर करने जाते हैं, तो आपका वो देखो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, तो वो सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है कि आपने घर खरीदा है इतना है, जो भी डिटेल्स है वो सब गवर्नमेंट के पास रहती है, वो सब पूरा कनेक्टेड रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट में IT एक्ट ऑल्सो प्रपोज्ड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ओरिजिन। अभी आपने देखा होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन करना चाहते हो, आपका अंगूठा लगता है, अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगता है लेकिन अंगूठा लगता है, वो एकदम परफेक्ट रहेंगे तो ही सिम चालू होगा। आप कभी देखना सिम कार्ड जहाँ भी बेचते हैं या फिर अपन जहाँ पे सब सिम कार्ड खरीदते हैं वहाँ पे आपने देखा रहेगा, आपका अंगूठा लेते हैं और आपको सिम कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड लेने का आधार कार्ड नंबर लेते हैं उन लोग और फिंगरप्रिंट लेके, अगर सही है तो मैच हो गया तो आपको सिम कार्ड चालू देते हैं 20-30 मिनट में। तो ये ऑथेंटिकेट कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।